हेलो गाइस, यू वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजिनर्स। तो आज हम बात करेंगे वाटर टैंक के बारे में, वाटर टैंक जिसमें हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो स्टैट प्रो में आज हम डिज़ाइन कर रहे हैं वाटर टैंक। ओके, तो न्यू यहां से प्रोजेक्ट ले लिया हमने, कोई भी प्रोजेक्ट। ओके, तो यहां से हम ड्राइंग चेक करते हैं। तो ये हमारे पास वाटर टैंक है जिसके हमें डायमेंशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं खुद से अज्यूम करूँगा ये सारी चीज़ें और इस पर फिर लोड अप्लाई करूँगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड डिज़ाइन करूँगा इसको। तो ये स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास ग्रिड पड़ा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ऊपर वाला डोम है तो मैंने 3 मीटर हाइट लगकर कुछ इस तरह से ले लिया इसको। आप रेडियल मेथड से भी बना सकते हैं इसको, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर्कुलर रिपीट, अब जितना ज़्यादा सर्कुलर करना हो हम उतने स्टेप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने 20 स्टेप्स कर दिए, लिंक कर दिया, तो आप चेक करोगे कुछ इस तरह से बन गया, डोम इसका रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट प्लेट्स सप्लाई करेंगे। तो यहाँ से प्लेट होता है 4 नोडेड प्लेट्स, क्योंकि वाटर टैंक में प्लेट्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके टॉप फेस, फ्रंट और बॉटम पे मैंने 4 नोडेड प्लेट अप्लाई कर दिया। आप 3D में चेक कर सकते हो रेंडरिंग व्यू। अब हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्लेट वाला पोर्शन रहता है, तो आप ज्योमेट्री में जाते हो, यहाँ से ऐड प्लेट्स, ट्रायंगुलर प्लेट, तो आप यहाँ से ट्रायंगुलर प्लेट अप्लाई कर सकते हो। ओके, इतना करने के बाद आपने प्लेट कर्सर लेकर प्लेट्स को सेलेक्ट किया है, सर्कुलर रिपीट्स, नंबर ऑफ स्टेप्स 20 स्टेप्स, लिंक चाहे ना भी करो प्लेट्स खुद लिंक हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ से आप ओके करोगे, प्लेट्स आपकी रेडी होगी, 3D में चेक करोगे तो ये आपकी प्लेट्स बन गई हैं। आफ्टर दैट आपने नोडल कर्सर लेना है, तो और आपने बॉटम वाली नोड पे एक पे क्लिक करना है एंड ट्रांसलेशनल रिपीट। तो यहाँ पे वाई के डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप्स 3 स्टेप्स एंड -3.5 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से वाई की डायरेक्शन नेगेटिव में जाएगी, लिंक। ओके, तो यहाँ से हम बात करेंगे, अब जो हमारे पास बीम है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सर्कुलर रिपीट्स, तो यहाँ से हमने इसको लिंक किया एंड स्टेप्स कितने हैं हमारे पास, 8 स्टेप, आप ड्राइंग में चेक कर सकते हो, बॉटम में हमारे पास 8 कॉलम्स हैं। ओके, आप नोड को क्लिक करते हो यहाँ पे और यहाँ से इसको ओके फ्रंट में जाकर आप इसके बीम्स बेस कट कर दो एंड टॉप के बीम कट कर सकते हैं। ओके, तो हम 3D में चेक करेंगे अब, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप है जनरल में सपोर्ट्स हम क्रिएट करते हैं फिक्स्ड हेड, तो हम सपोर्ट्स यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, साइड सिलेक्टेड, यस। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर, असाइन टू व्यू, यस। तो ये कॉलम पे अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट रहता है हमारा थिकनेस प्लेट के लिए, तो हम यहाँ से थिकनेस अप्लाई करेंगे, 0.2 मैंने अप्लाई कर दी, असाइन टू व्यू, तो वो हमारा प्लेट पे अप्लाई होगा। ओके, आफ्टर दैट 4 स्टेप है हमारा, लोड एंड डेफिनेशन क्रिएट 2 लोड केसेस, फर्स्ट वन इज डेड लोड, डेड लोड एंड सेकेंड वन इज लाइव लोड। ओके, क्लोज। डेड लोड में हम ऐड करेंगे सेल्फ वेट, जो हमारे स्ट्रक्चर का अपना वेट है, असाइन टू व्यू, यस। दूसरा हमारे पास लाइव लोड, लाइव लोड में हम ऐड करेंगे प्लेट लोड, प्लेट लोड में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो यहाँ से प्लेट सेलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ से प्लेट कर्सर आपने पिक किया कर्सर बार में से, और यहाँ से लेफ्ट साइड वाली हाफ प्लेट्स आपने सेलेक्ट की, डन। यहाँ से आप प्रेशर डालोगे 10, 20, एड, ओके, अगेन सेलेक्ट प्लेट्स, राइट साइड वाली हाफ पोर्शन, डन। तो यहाँ पे वैल्यू आप -10, 20 कर दोगे, क्योंकि यहाँ इक्वल प्रेशर पड़ेगा इस पर, -10, 20, एड, क्लोज। तो आप चेक करोगे ये दोनों साइड से हमारा प्रेशर ऐड हो गया इस पर। ओके, इतना करने के बाद ऐड करना है ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस एज पर इंडियन कोड, जनरेट लोड, ऐड, क्लोज,
ओके एनालिसिस प्रिंट सिलेक्ट ऑल एंड क्लोज और एनालाइज रन सेव। बस यहाँ पे हमारा एरर नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। ओके बी आउटपुट डन। तो यहाँ से हम अब चेक करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं अप्लाई ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो रहता है वो होता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लेट स्ट्रेस कंट्रोल चेक करते हैं यहाँ से मैक्सिमम एब्सोल्यूट। तो जो रेड कलर हमारा सबसे ज़्यादा लोड शो करता है आप देख सकते हो यहाँ से कलर जो भी है अप्लाई ओके। तो यहाँ पे आपका अनइक्वल प्रेशर के लिए टॉप बॉटम में जो हमारा प्रेशर शो कर रहा है, तो हम इसको डिज़ाइन करेंगे या सिंगल प्लेट को कर लेंगे किसी को, जैसे ये प्लेट नंबर 194। ओके तो हम क्या करेंगे, मॉडलिंग में जाएंगे डिज़ाइन में और यहाँ से कंक्रीट डिज़ाइन, कोड हमारे पास आई एस 456 एंड पैरामीटर हमने सेलेक्ट कर लिए ओके, वैल्यूज 25 ग्रेड एंड एफ ई 415 कमांड बीम एट कॉलम एड एंड यहाँ पे हमारे पास स्लैब एलिमेंट भी है, टेक ऑफ भी है, तो आप इसको सारे को ऐड कर लोगे। एफ सी मुझे सबका चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्टील भी मुझे सारे स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करना है यस, एंड बीम के केस में हम बीम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम बीम असाइन टू एंड कॉलम सेलेक्ट बीम पैरेलल टू बाय भी कर सकते हो आप, या कॉलम को मैन्युअली सेलेक्ट कर लिया आपने तो ये चीज़ होता है। स्लैब एलिमेंट हमारे पास था 194, हम असाइन टू व्यू भी कर सकते हैं बट यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं 194 ओके असाइन, तो ये हमारे पास असाइन हो गया। तो यहाँ पे आप चेक करोगे एनालिसिस प्रिंट सेलेक्ट ऑल एट क्लोज और यहाँ से एनालाइज रन सेव। तो गाइज यहाँ से आप चेक करोगे आप व्यू आउटपुट डन, यहाँ से हमने चेक किया तो ये आपके पास डिज़ाइन आ गया ओके गाइज। तो ये हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन है ठीक है ओके गाइज थैंक यू।